बात ये है, बारिश गिर रहा है तो कस्टमर बोल रहा है। तो दोस्तों देखिए यही है सेट, और सोचते फाइनली पहुंच गया, यहाँ पे सामान उतारना है। तो 11 मिनट अभी कुछ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों बात यह है, आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि दोस्तों बात यह है, एक्चुअली GSwood में और एक केन का जो सोफ़ा है वो उसका एक दुकान है और भैया है वो, उनका स्टाफ का कल रात को कॉल आया है, मतलब कल से बात वगैरह तो हो गया है। तो भैया ने बोला था कि थोड़ा मतलब कस्टमर शायद जल्दी आएंगे, सो इसी वजह से मैं आ गया दोस्तों थोड़ा जल्दी। शायद ऐसा बोले थे कि 11 बजे आएगा, लेकिन आ तो गया मैं, लेकिन आने का साथ साथ बारिश भी आ गया। और जब मैं पॉइंट में पहुंचा तब मैंने कॉल किया था भैया को, तो भैया ने बोला अभी तक वो पहुंचे नहीं है, लेकिन 11 तो बज चुका है। इसी वजह से मैं एग्जैक्ट टाइम पे निकला था दोस्तों, 10:30 बजे का थोड़ा बाद में निकला था क्योंकि 11 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा मुझे पता ही था। सो टाइम हो रहा है 11:05। सो तो मैंने कॉल किया उनको, तो कस्टमर ने बोला कि अभी बारिश हो रहा है इसलिए हम लोग घर से निकल नहीं पाए, सो थोड़ा टाइम लगेगा शायद उनको आने में। वही बात है दोस्तों, तो बारिश की वजह से तो वैसे तो घर से कोई निकलता भी नहीं है, और आपको पता ही है जैसा मार्केट है। जो सेट मुझे लेके जाना है, कौन सा सेट है मैंने पूछा भी नहीं है उनको, जस्ट उन्होंने बोला है कि गोल्फलिंग में लेके जाना है। तो वही बात है, और अभी भी बारिश गिर रही है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कस्टमर आएंगे, शायद बारिश रुकने का बाद ही आएंगे क्योंकि बारिश कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से गिर रहा है दोस्तों। सो करते हैं वेट दोस्तों, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है कस्टमर का आने का, बाद ही मुझे जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि सुबह सुबह हो जाएगा, मैंने सोचा था नहीं कि बारिश नहीं था सुबह, मौसम बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी बारिश आ गई दोस्तों। तो बारिश आने से तो कस्टमर नहीं आएंगे, कोई बारिश थोड़ा बहुत ख़त्म होने का बाद में आएंगे क्योंकि आज उनको लेके ही जाना है और आज सैटरडे है तो आज उनको सामान चाहिए। तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं कब तक कस्टमर आते हैं, और कस्टमर आने के बाद में भैया मुझे कॉल लगाएंगे तब भी मैं यहाँ से निकलूंगा दोस्तों। तो अभी करते हैं वेट, देखते हैं कितना टाइम तक वो आते हैं, कितना टाइम मुझे बैठना पड़ता है दोस्तों। 1 hour later सो दोस्तों बात यह है, टाइम हो रहा है 12:15, तो अभी कॉल आया है भैया का, 1 घंटे का ऊपर ही होकर मैं बैठा ही था, एक्चुअली दोस्त का गाड़ी में बैठा था, तो कॉल आने के साथ साथ मैं आ गया अपना गाड़ी में। सो अभी स्टार्ट करूंगा, जाऊंगा GSwood जाके सेट ढाल के, अब कस्टमर भी आ चुके हैं, भैया ने तो बोला है कस्टमर आ चुके हैं, सो वही अभी जाके ढाल के मैं दिखाता हूँ कौन सा सेट है, तो मुझे भी बताया नहीं है भैया ने, बोला है कि एक ही सेट है। सो जाते हैं दोस्तों GSwood ढाल के, मिलते हैं अभी, डायरेक्ट जाऊँगा GSwood दोस्तों। तो दोस्तों बारिश में भी और कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्या ही बोलूँ, कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम है दोस्तों। तो टाइम हो रहा है 12:34, मैं अभी तक पॉइंट भी नहीं पहुँचा, सोचिए कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है दोस्तों, तो बारिश होने से एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत ही मुश्किल होता है बारिश आ जाने से। ऊपर से आज सैटरडे है दोस्तों, तो ट्रैफिक जाम तो होगा ही, बारिश में और ज़्यादा ही हो जाता है। देखिए गाड़ी आके रुकता है तो रुका रहता है, रुक गया दोस्तों, आगे तक भी गाड़ी नहीं हिल रहा है, तो स्टार्ट को ऑफ करके बैठता हूँ। भैया का फिर से एक बार कॉल आ चुका है, बारिश वैसा नहीं था जैसे पहले था जोर से, लेकिन जब मैं निकला उस टाइम में कम थी था दोस्तों, लेकिन अभी तो जोर से आ गया, जोर से गिर रहा है बारिश दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा ही बारिश आ गया। जाते हैं धीरे धीरे, क्या करें दोस्तों, उपाय नहीं है, सैटरडे है, ऊपर से बारिश भी है, ट्रैफिक जाम तो होगा ही, जाते हैं धीरे धीरे जाके ढाल के मिलते हैं दोस्तों। जैसे बारिश में ढालूंगा भी कैसे, वही तो सोच रहा हूँ, पूरा तो मैं भीग ही जाऊंगा, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। सो दोस्तों मैं तो पहुंच गया गोडाउन का, सामने यही है मेरा सामने गोडाउन, लेकिन बात यह है बारिश गिर रहा है तो कस्टमर बोल रहा है कि थोड़ा रुकने के लिए, बारिश थोड़ा खत्म मतलब रुकने का बाद में ढालेंगे,
जब मेरे पास कॉल आया था मैंने उस टाइम में बोला ही था भैया को थोड़ा रुकते हैं क्योंकि बारिश गिर रहा है, लेकिन भैया ने बोला नहीं, कस्टमर बोल रहे हैं कि अभी लेके जाएगा, अभी आने के बाद बोल रहे हैं कि थोड़ा रुकने के लिए तो बाद में लेके जाएगा, अभी रुकना पड़ेगा, रुकते हैं दोस्तों, क्या करें, उपाय नहीं है। साइड कर देता हूँ गाड़ी, रुकता हूँ। मैंने गाड़ी साइड, जो ग्रीन कलर का वो जो दिखाई दे रहा है वही पे है, तो रुकते हैं थोड़ा, बारिश खत्म होने के बाद में ढालेंगे, करते वेट अभी। A little longer than a few minutes later. So दोस्तों बात है, क्या ही बोलूं, अभी तक बारिश गिर रहा है तो मैं आके यहाँ पे फंस गया दोस्तों। टाइम हो रहा है 1:45, मैं कब से यहाँ पे बैठा ही हुआ हूँ, बारिश के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा देर बाद में डालो, तो बात यह है बारिश थोड़ा देर पहले रुका था लेकिन कस्टमर कहीं पे चले गए, कुछ सामान शायद लेना था उनको, तो बारिश रुकने के बाद में मैंने कॉल किया दुकान में, तो वो बोल रहे हैं अभी कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर शायद को सामान लेने गए, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी देखिए दोस्तों, पहला बारिश के लिए रुका था, अभी कस्टमर के लिए रुकना पड़ रहा है, तो क्या होगा कुछ पता नहीं दोस्तों, कितना टाइम में रुकूँ, देखिए अभी 1:45 हो रहा है दोस्तों, और मैं कब आया था, उपाय नहीं है दोस्तों, बोली करने के लिए तो थोड़ा झंझट तो लेना ही पड़ेगा, तो देखते हैं क्या करें, और करते हुए देखते हैं और कितना टाइम लगता है। 15 minutes later. तो फाइनली कस्टमर आ चुके हैं, मैं जा रहा हूँ सामान डालने के लिए, ये बैग पैक करके, तो अपन से दोस्तों तो डाल के मिलते हैं, काफ़ी टाइम रुका दिया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यही है सेट, और इसको तो मैं अभी जानूंगा फर्स्ट टाइम, और कस्टमर भी साथ में जाएंगे दोस्तों, एक्चुअली गोल्डफिंग पहुँचने का पहले जो उन्होंने बोला है कि गोल्डफिंग पहुँचने का पहले ही है, जहाँ पे सामान लेके जाने साथ में हो जाएंगे, अच्छा ही चलिए फटाफट टेबल डाल के निकल दे दोस्तों। तो फाइनली पहुंच गया, यहाँ पे सामान उतारना है तो फटाफट उतर लेते हैं दोस्तों, और ग्लास वगैरह यहाँ करके निकाल देते हैं, थोड़ा मुझे हेल्प करना पड़ेगा आदमी प्रकृति के, तो फटाफट उतर के निकलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों फाइनली सामान उतारना हो गया कम्प्लीट, देखिए खाली, तो अभी चलिए निकलते हैं, और कहाँ जाके बैठूँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो बारिश ही बारिश गिर रहा है दोस्तों, और ऐसा बारिश में क्या ही काम होगा, कंटिन्यूसली मुझे लग रहा है कि आज ये बारिश रुकने वाला है नहीं, सो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, मिलने वाला चांस तो है नहीं, जो मिलने वाला था तो मिल गया, वो भी रुकने का बाद में कितना टाइम, और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 2:40, तो 3 बज जाएगा मुझे मतलब पीवी पहुँचने में, चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, जाते हैं डायरेक्ट पीवी। फाइनली पहुंच गया जीएस रोड, और टाइम हो रहा है 3:11, अभी कुछ मिल लेगा या फिर नहीं पता नहीं दोस्तों, बारिश तो थोड़ा बहुत रुक चुका है और ट्रैफिक जाम कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए आने में थोड़ा टाइम लग गया, मैं सोचा था कि 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा लेकिन नहीं, आधा घंटा लग गया पहुँचने में ओलो से, कोई बात नहीं दोस्तों चलता है, अभी बैठते हैं दोस्तों यहाँ पे, एक्चुअली जीएस रोड पे दोस्तों तो नहीं है, तब भी थोड़ा टाइम बैठता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ क्या होता है दोस्तों, तो मार्केट का हालात ऐसा ही, एक काम एक मिलने से दूसरा काम तो मिलता ही नहीं, तो वेट करते हैं थोड़ा टाइम जीएस रोड में। 5 hours later. सो दोस्तों फाइनली चला है घर में, एक्चुअली मैं सोचा था कि जीएस रोड से फिर ऑकलैंड में जाके बैठूँ दोस्तों, लेकिन नहीं, मैं जीएस रोड में बैठ रहा, दोस्त लोग कॉल कर रहा था मुझे, लेकिन मैंने बोला थोड़ा टाइम बैठता हूँ यार, फिर बैठते 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 रात ही हो गया दोस्तों, तो 8 बजे का पहले मैं निकल गया, काम तो कुछ नहीं मिला,
वही मैं बैठा ही रहा दोस्तों। लेकिन एक कॉल आया था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, शायद मुझे लग रहा था बहुत दिनों बाद शायद मुझे और एक काम मिल जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ हुआ ही नहीं दोस्तों, क्या ही बोलूँ। तो मैंने कॉल किया था जो कस्टमर पे निकल गया, इसी वजह से काम नहीं हो पाया दोस्तों। सो आज का वीडियो अगर पसंद है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगे। सो आज के लिए आपको पसंद है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं ब्लॉग के साथ, अपने गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।